Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the question 8. Question 8 is, find out the following in the electric circuit diagram. Electric circuit diagram में कुछ following points दिए हुए जिन्हें हम find out करना है. So first of all, हम electric circuit diagram को देख लेते हैं. Circuit diagram में first of all 4 ohm का एक resistance लगा है A and B के बीच. उसके बाद B and C के बीच एक ammeter A1 लगा है. E and D के बीच एक और ammeter लगा हुआ है A2. एंड उसके बाद यहाँ पर 8 ohm एंड 8 ohm के दो resistor जो हैं वो C and D के बीच में parallel combination. अगर हम यहाँ देखें A1 और A2 दोनों सीरीज के अंदर हैं, सीरीज के अंदर एमीटर ये लगे हुए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करना है देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohm रेजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन. 8 ohm के जो रेजिस्टर्स हैं यानी इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ohm रेजिस्टर, इस 4 ohm के अक्रॉस करंट कितना है वो निकालना है. उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ohm रेजिस्टर, कितना 4 ohm रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल है ये निकालना है. उसके बाद पावर डेसिपेटेड इन द 4 ohm रेजिस्टर, और उसके बाद डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग इफ एनी, अगर कोई डिफरेंस होगा एमीटर की रीडिंग्स में तो वो बताना है. तो सबसे पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं 8 ohm रेजिस्टर्स का, और वो दोनों क्या है ए पार्ट में, ये दोनों के दोनों पैरेलल में. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohm रेजिस्टर्स, और इसे मैं नाम दे देता हूं आर डैश. सो दोनों पैरेलल में, तो 1/r कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 यानी के 2/8 इज 1/4. तो कितना आ गया यहां पे आर डैश इज इक्वल टू 4 ohm आ गया. अब आप देख सकते हैं ये वाला जो है कंप्लीट 4 ohm आ गया, ये 4 ohm जो है इस 4 ohm के साथ सीरीज में. हमें यहां पे करंट अक्रॉस 4 ohm, दिस 4 ohm के अक्रॉस निकालना है करंट. तो उसके लिए क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा इस पूरे सर्किट का, क्योंकि आपको सेकंड पॉइंट में यही बताना है कि इस 4 ohm के अक्रॉस करंट कितना है. तो पूरे सर्किट में जितना करंट होगा ये सब सीरीज में है, तो उतना ही जो है करंट ए और बी यानी 4 ohm वाले रेजिस्टेंस के बीच होगा. सो यहां पे हम देख लेते हैं बी पार्ट के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना होगा. मैं यहां पे क्या ले लेता हूं आर, और अब दोनों 4 ohm के रेजिस्टर क्या है वो सीरीज में है, तो आर कितना हो जाएगा 4+4 यानी के 8 ohm हो जाएगा. अब यहां पे करंट हम निकालेंगे, करंट अक्रॉस 4 ohm या करंट अक्रॉस सर्किट दोनों सेम होगा, तो करंट अक्रॉस सर्किट कितना आ जाएगा यहां पर I=V/R. अब पावर सप्लाई यहां पे कितनी लगी है आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम में, अगर मैं दिखाऊं दिस इज ऑफ 8 volt. स्टूडेंट ये लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूं ये 8 volt थी. सो स्टूडेंट दिस विल बी 8/, और इक्विवेलेंट रेजिस्टर भी 8 आया, तो यानी के 1 ampere यहां पर जो है ये m जो है 4 इस पूरे सर्किट के अंदर जो है फ्लो हो रहा है. तो अब यहां भी क्या होगा, यहां भी जो है 1 ampere फ्लो होगा. और उसके बाद अगर मैं A1 में भी देखूं तो ये आगे सीरीज में, इसमें भी 1 ampere फ्लो होगा, और उसके बाद ये भी सीरीज में, यहां भी 1 ampere फ्लो में होगा. तो जो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग, नो डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो सेम रहेगा. आगे स्टूडेंट यहां पे क्या पूछा गया था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ohm रेजिस्टर, 4 ohm का जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, यहां V निकालना है. अब ये सीरीज में है सारी चीजें, तो सीरीज में वोल्टेज जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, तो V यहां पे क्या आ जाएगा सिंस सी पार्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ohm रेजिस्टर, इसे मैं क्या ले लेता हूं V4 ले लेता हूं, और V4 कितना आ जाएगा, V4 इज इक्वल टू I R, करंट है यहां पे 1, रेजिस्टर है 4, तो कितना आ जाएगा 4 वोल्ट यहां पे होगा पोटेंशियल डिफरेंस. अब डी पार्ट में हमें बताना था कि पावर डेसिपेटेड इन 4 ohm के रेजिस्टर में पावर कितनी होगी. तो यहां पे डी के अंदर अगर मैं पावर देखूं 4 ohm के रेजिस्टर्स के अक्रॉस, तो पावर यहां पे क्या हो जाती है I square R होती है, और यहां पर जो है I कितना है, I हमने देखा
आपके 1 के इक्वल है, 1 का स्क्वायर दिस इज, एंड R कितना है, R यहाँ पे 4 है, तो कितना आया 4 वॉट, दिस इज 4 वॉट इज पावर डेसिपेटेड किसमें 4 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस। और सबसे लास्ट वाला जो E पार्ट था, क्या दोनों एमीटर की रीडिंग में डिफरेंस होगा, नो देयर इज नो डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग्स, एमीटर रीडिंग्स ऑफ A1 एंड A2 सिंस बोथ आर इन सीरीज, दोनों सीरीज में, और सीरीज में करंट सेम रहता है।